अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। वेलकम टू एन अमेजिंग वीडियो। तो यार मैंने अपने चैनल पे एक चीज नोट की, पिछले 4 महीनों में मैंने एक भी सोलो वर्सेस स्क्वाड वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि मैं दरमियान में रैंक पुशिंग वाले कंटेंट डालता था ना। एंड यार मेरा जो चैनल के जो मेन वीडियोस थी ना, वो सोलो वर्सेस स्क्वाड वीडियोस ही हुआ करती थी। एंड आप लोग भी काफी इंटरेस्ट लेते थे। एंड मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स भी देखे थे कि यार मिस्टर अबू रैंक एम्प्ले में अब उस तरह नहीं खेल रहा, वो मजा नहीं आ रहा, अब उसके उस तरह किलिंग्स नहीं हो रहे। तो आज हम फुल पागलों की तरह रश करेंगे, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलेंगे, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, ज्यादा से ज्यादा किलिंग की कोशिश करेंगे, हेड लगे, बॉडी लगे, एंड ऑब्वियसली बुया की भी कोशिश करेंगे। सो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो इस दफा हमारे सोलो वर्सेस स्क्वाड में आ चुका है काला हारी। अब अगर आप मेरा सोलो वर्सेस स्क्वाड काफी टाइम से देखते हो, मतलब पुराने सब्सक्राइबर्स में से हो, तो आपको पता होगा कि मैं कमांड पोस्ट जहां पे मेरी लैंडिंग हो रही है उसके बारे में मैं क्या कहता हूं। जैसे बरमूदा में पीक रश वाली जगह है, ऐसे ही कालाहारी में रश वाली जगह कौन सी है? कमांड पोस्ट। ऑलराइट, अब अच्छा सा वेपन मिल जाए जल्दी 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 जल्दी, एसकेएस। ठीक है, मेरे एसकेएस ये वाले जो स्किन है इस पे मेरे काफी अच्छे हेड लगते हैं, तो आई एम कॉन्फिडेंट। एंड MP40 भी मिल गया, अब तो मजा आएगा बिडो। ऑलराइट चलो ये ले लेता हूँ। बंदे काफी ज्यादा थे, UAV में बंदे काफी ज्यादा थे, फाइट भी शुरू हो गई। सामने बंदा, एक डाउन, एक फ्री का किल मिलने वाला है, वो भी हेडशॉट से फिनिश कर दिया। एंड तीसरा भी डाउन, नहीं तीसरा डाउन नहीं, एक किल चोरी, एक कम्प्लीट, क्या कह रहा हूँ, एक किल चोरी, दो डाउन। हाँ सही है भाई, सही है। इसको फिनिश भी कर लेते हैं ताकि हमसे भी किल चोरी ना हो भाई। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड किल। अरे अरे अरे, कौन, अबे कहाँ से डैमेज पड़ा? VSS की आवाजें मुझे आ रही है, कहाँ से पड़ रहा है ये पता नहीं लग रहा, क्योंकि इर्द गिर्द हर तरफ बंदे हैं। अरे भाई ये मुझे देख नहीं रहा था, सोया हुआ था, क्या सीन था? अच्छा गाइस, मैंने एक्सपेंशन पैक डाउनलोड नहीं किए, तो सारे के सारे मुझे नोबड़े नजर आएंगे, इतना मैं बता दूं। सही है ना, अब क्यों नहीं डाउनलोड किए, उसका तो एक ही रीजन है भाई, PC मेरा इतना खराब है नहीं, फिर भी मेरा लैग होता है यार, तो मजबूरन करना पड़ता है लैग से बचने के लिए। अब दुआ करो कि खूब आगे बढ़े, तो फिर अपने लिए कोई सबसे आला तरीन PC ले लूं, एंड फिर से वन टैब, नाइस। तो फिर एक्सपेंशन पैक सब कुछ डाउनलोड कर लूंगा, अभी तो अबे ये भी वन टैप लग जाता ना, अभी भी काफी बंदे हैं। एंड ये हमारा 5th नॉक हुआ। तो अच्छा, मैंने अगर आपको याद हो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इस सीजन हम लोग यूनिक कंटेंट करेंगे, राइट? तो सोलो वर्सेस स्क्वाड के रीजन मैंने आपको इंट्रो में बता दिया ना कि क्यों मैंने किया। आई नो ये यूनिक तो इतना है नहीं, सब करते हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड, बट लाइक मैंने काफी टाइम बाद किया। एंड अगर आप शुरू से मेरे चैनल देखते जा रहे हो तो मेरा मेन कंटेंट, मेन वीडियो वो सोलो वर्सेस स्क्वाड ही थी यार। मैं नॉर्मली इसी तरह सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलता था, आप लोगों से बातें करता था, अब काफी ज्यादा टाइम हो गया था, तो मैंने कहा एक तो बनता है जहां मैं पागलों की तरह रश करूं, हेड लगे, बॉडी लगे, बस सिर्फ किलिंग पे किलिंग करूं, एंड ऑब्वियसली अनलकी बुया किंग हूं, बट स्टिल बुया की कोशिश करूं। 5 किल हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी इर्द गिर्द बंदे होंगे, ये मैप काफी ज्यादा बड़ा है, बंदा है, देखो जैसे बंदे का नाम लिया, हाजिर। अबे अबे अबे, ये VSS वाला फिर से मुझे डैमेज पड़ रहा है यार, ये VSS वाला किधर है? अबे मरते मरते बचा हूं, Level 2 का वेस्ट मेरा उड़ गया है भाई, मेरा नहीं मेरा उड़ गया। ओके ये VSS, आई थिंक जो सामने ये टावर है ना इधर छुपा हुआ है, और कब से छुपा हुआ है ये कैंपर, यहाँ छुपा हुआ है ना, छुपा हुआ है। एक तो इस मैप में ना कैंपिंग बहुत आसानी से हो सकती है, एंड सारे के सारे पता नहीं कि वो इस मैप में वुकोंग यूज करते हैं। ये चीज आपने नोट किया है, मैं जितने भी बंदों को मार रहा हूँ उसका वुकोंग करेक्टर नजर आ रहा है। इस पर रश मारते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं भाई। ओके देखो VSS ही था इसके साथ, कहा था ना मैंने, आवाज से पता लग रहा था यार। यहाँ पे एक और बंदा भी है, इसको भी वन टैप की कोशिश यार नहीं हुआ। चलो इसकी तरफ जाते हैं। रास्ते में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन रॉयल डिजिटल के साथ पार्टनरशिप की है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। काफी अमेजिंग एंड रेयर आईडीज आप लोगों को अच्छे प्राइजेस के साथ मिल जाएगी। नीचे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जरूर ज्वाइन करना। एंड हाँ, ये जो मैं कहता हूँ ना कि मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन, ये मैं ऐवी नहीं लगा, इस बंदे की आदिल रहमान जिंदाबाद प्लेस एंड पिछले महीनों में AJFF के साथ भी पार्टनरशिप हुई थी, सो इसलिए मैं कहता हूँ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सेफ पर्सन है, कंप्लीटली ट्रस्टेड है। बस आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब आपने डील करनी हो तो फाइनलाइज सिर्फ और सिर्फ रॉयल डिजिटल से करनी है और किसी से नहीं करनी। एंड जो लिंक मैंने दी है सिर्फ वही ज्वाइन करना डिस्क्रिप्शन में, और कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करना। एंड एक कमेंट में बार बार देखता हूँ कि बकर भाई जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा मतलब ग्रुप ज्वाइन नहीं होता, लिंक खराब हो जाती है। तो हाँ ऐसा होता है यार, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक खराब हो जाता है जब ज्यादा बंदे ज्वाइन करते हैं। तो बस ऐसे टाइम में आपने सिर्फ ये करना है कि थोड़ा सा वेट
वेट करना है एक आधा दिन, मैं ग्रुप लिंक्स रिफ्रेश करता रहता हूँ, जब खराब हो जाए तो फिर आपने दोबारा ट्राई करना है, इंशाल्लाह हो जाएगा, सही है। तो अभी जाइए, नीचे मैंने लिंक दी है एंड काफी अमेजिंग एंड मजे की आईडीज जरूर चेक करें। ये देखो ये अभी उठा हुआ है, फिर भी मेरे सामने यहाँ पे आ रहा है। सब पहले इसकी तो छुट्टी करूँ, क्यों भाई शकील भाई G18 से मारने की कोशिश कर रहे हो, क्या बात है भाई। हमने इतनी किलिंग की, ये 10 किल कंप्लीट हो गए, दरमियान में मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी, मजा आ गया यार। कमांड पोस्ट में आज बहुत ज्यादा किलिंग हुई, सब इसको भी मारते हैं तो हमारे किल हो जाएंगे 11 किल। जीरो जस्ट मी है, ये कैसा नाम था, जीरो जस्ट मी, मतलब ये कहना चाह रहे कि मैं जीरो हूँ। चलो अगर वन जस्ट मी लिखते तो मेरे जहन में फिर भी आता कि मतलब ये बंदा कहना चाह रहा है कि मैं ही सिर्फ नंबर वन हूँ, बट जीरो जस्ट मी, चलो अपनी मर्जी है भाई। ऑल राइट गाइस, मैं अभी तक कमांड पोस्ट में घूम रहा हूँ, आपको पता है क्यों, हुक गन ढूंढने के लिए यार। कलहारी में अगर हुक गन ना मिले ना तो मजा ही नहीं आता। एंड वो देखो सामने रिवाइव हो रहा है, चलो यार इसको छोड़ देता हूँ रिवाइव के लिए, चलो 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 इसको मारते हैं और उसको छोड़ देते हैं। अब बॉडी से मरा बट चलो कोई नहीं। अबे ये देखो भाई इसकी हरकतें चेक करो, मैं इसे छोड़ रहा हूँ कि रिवाइव करो, वो मुझे मार रहा है। रिवाइव तो हो गया चलो इस, ओ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, हुक गन मिल गया, बढ़िया भाई। अभी स्पाइडरमैन बनेंगे ना जब यहाँ से निकलेंगे, पहले इस बंदे को अब ऊपर पहुँचा दूँ स्पेक्टेटर में। चलो छुट्टी करो भाई तूफान ब्रो, गाड़ी की आवाज़ें भी आ रही हैं। इसके साथ हमारे कितने हो गए ओनली इन कमांड पोस्ट 13 किल्स। यहाँ से निकलते हैं बट सबर मीशा वाला मुझे लग रहा है, तभी मतलब सर्वाइवर वगैरह लग रहा है। एक मिनट, ये अबे नहीं मीशा नहीं लगा हुआ, भागने की कोशिश कर रहा है। एंड इसी के साथ हो गए 14 किल्स ओनली इन कमांड पोस्ट, भाई मज़ा आ गया यार, हद हो गई। और गाइस वुड पेकर मैंने इससे ले लिया, SKS को करते हैं छुट्टी एंड कमांड पोस्ट को भी देते हैं छुट्टी, भाई बस ना है सारा पूरा गेम मैंने कमांड पोस्ट में ही करना है क्या। ये हमारे हुक गन के स्किल है भाई, जहाँ पे जाना चाह रहा था। दूसरा बंदा भी मिल गया मुझे भाई, कमांड पोस्ट में आज बंदे ख़त्म नहीं हो रहे। अभी तो मैंने ये नहीं कहा ना कि कमांड पोस्ट ऐसा है जैसे पीक, बंदे ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते पीक में, फिर भी बंद ये ले अबे हेड दे दिया। मैं बिगिनर समझ रहा था, नूब समझ रहा था, बट उसने मेरा हेलमेट ही उड़ा दिया भाई। वो देखो गाइस हवा में ऑफलाइन बंदा, चलो इसके काम करते हैं, हवा में ही फिनिश करते हैं एंड हवा में टोटल भी फिनिश करते हैं, ख़त्म भी करते हैं, क्या बात है भाई। ऑलराइट यार ये मुझसे हुक गन क्यों नहीं चल रही, सर वेट 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 गाइस, अभी मैं आपको हुक गन का स्किल दिखाता हूँ कि मैं कैसा यूज़ कर सकता हूँ। पूरा स्पाइडरमैन, ये लो भाई तीन एक साथ। अभी दोबारा देखो, सर ये लो पहला, ये लो दूसरा, चेक किया ना, ऐसे हुक गन कभी यूज किया है? अगर ट्रिक का नहीं पता तो ट्रिक भी बता देता हूँ। ये आपने बेसिकली, ओ ऊपर रिवाइव भी हो रहे हैं, ऊपर जाते हैं, ये आपने ऐसे करना है कि दरमियान में ही आपने कैंसिल मारना है, जब मतलब आप हवा में हो तो वो जो हवा में थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाता है ना तो आप उसमें दूसरी दफा भी यूज कर सकते हो। तो लाइक मैंने कैंसिल मारा फिर यूज किया, कैंसिल मारा फिर यूज किया, सामने दो तीन बंदे, एक मिनट, एक डाउन, दूसरा भी गया, तीसरे भी गया। अरे भाई आज दिन अच्छा जा रहा है मेरा भाई, 18 किल्स हो गए हैं भाई एंड अभी भी बंदे कितने 11 बंदे रहते हैं, क्या बात है यार। पहले ये ऊपर वाले की तरफ मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि वो बंदा फिनिश हो गया है कि नहीं, उसी के साथ ये 18 किल है। एक मिनट चला, ऑलराइट फिनिश हो गए ठीक है 18 किल हो गए हैं। वही सामने मैंने बंदा देखा। एक और चीज़ जो मुझे कलहारी मैप में बहुत पसंद है ना यार, ये सूरज की जो रोशनी है ना इसमें बहुत मज़े की दिखती है यार। मे बी कि बिकॉज सहरा हो, ऐसे पहाड़ हो ना, बरमूडा में ऐसे शो नहीं होता यार, इसमें जो शाइनिंग वगैरह नज़र आती है काफ़ी मज़े की आती है। ऑलराइट ऊपर बंदा फुल स्पीड से मैं जाऊँगा। नीचे वैसे भी मैंने क्लोन लगाया तो मरने का चांस नहीं बनता, इसको हेड क्यों नहीं लग रहा। एक तो मुझे सारे नूबड़े शो हो रहे हैं, डोर्ड नदीम ब्रो, क्योंकि एक्सपेंशन पैक नहीं है ना तो मैं हेड नहीं लगा, बट चलो फिनिश हो गया 19 किल्स। और एट गाइस गोल रखते हैं अपना कि कितने किल एंड कितने क्या चीज़ की कोशिश करेंगे, तो मैं कहता हूँ ना 19 हो गए हैं, 12 बंदे रहते हैं तो 25 किल की कोशिश करेंगे, सही है कि 25 किल कम से कम करें। एंड ऑब्वियसली बुया की भी कोशिश करेंगे बट उसका कोई गारंटी नहीं ले रहा मैं, बट चलो 25 किल्स विद बुया की कोशिश करेंगे, आखिरी जोन का टाइम है, सो लेट्स गो। ओके यही देखो भाई कमांड पोस्ट फिर से आ गए। हमारे पश्तो में एक प्रोवर्ब है, चीजें बाजोल बराजी, उर्दू में मतलब बस ऐसा है कि मतलब जाओ फिर तुमने वापस यही आना है, समथिंग लाइक दैट। एंड इसी के साथ 20 किल हमारे हो गए कमांड पोस्ट में, भाई बंदे भी फिर से पहुंच गए, क्या बात है भाई। इधर से ये ले भाई, वैसे हमारे वन टैप भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं अगर आप लोगों ने देखा, स्पेशली वो जो हम ऊपर गए थे ना पहाड़ के ऊपर, वहाँ पे बहुत मज़े के लगे थे। यहाँ पे अब इसको भी वन टैप की कोशिश करता हूँ, बट अगर ना भी लगा तो कोई टेंशन नहीं है। ये डाउन, अबे इतना डैमेज यार, हर एक बंदा सोनिया बस कर दो, सोनिया का ज़माना चला गया है। पीछे बंदों की आवाज़, ये किस चीज़ का निशान है,
अच्छा मेरे ख्याल से बंदों का निशान था, मैं समझा नेड वगैरह कर रहा है। चलो ऊपर जाता हूँ, इसको भी मारता हूँ। ये लखर एंड ये गया भाई डीएमटी किंग, भाई डीएमटी के खानदान से था। छुट्टी कर 22 किल हो गए, सिर्फ तीन बंदे हमारे रहते, मतलब हमारा गोल जो था ना 25 किल का। तो सबसे पहले ये गोल बराबर करते हैं, फिर बाद में देखेंगे। पीछे जाता हूँ क्योंकि ये किसी को तो मार रहा था यार, वो डोड नदीम, ये फिर से जिंदा हो गया है, वो जिसको मैंने बॉडी भर भर के मारी थी। लग जा लग जा। एंड ए जी मॉन्स्टर ब्रो छुट्टी करो, सिर्फ 2 किल रहते हैं हमारा गोल पूरा होने में। ऐसा नहीं कि उसके बाद किलिंग नहीं करेंगे, बट कम से कम 25 किल मैंने इरादा किया था। राइट, ए दूसरा बंदा क्या टाइमिंग है भाई। अबे MP40 सी आज क्यों हेड में सो रहे हैं। चलो लग गया। ये देख इसका भी सोनिया डिमिट्री, हर एक बंदा सोनिया डिमिट्री। भाई कोई और कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर लिया करो भाई। एक लास्ट किल, 25 किल इजीली हो जाएंगे एंड हो भी गए। अभी कितने बंदे रहते हैं, 4 बंदे, तो 25 + 4 = 29। बट चलो देखते हैं जितने भी, अब बुया की कोशिश करेंगे जितने भी किल हो सके। ये गया फिर से वन टैप, क्या ही वन टैप लग रहे हैं भाई आज। अबे साले मेरा किल चोरी किया यार, तुम्हारी तो अब खैर नहीं है। सब अगर फुल अब इस पे मैं हेड की कोशिश न बाड़ी, बस जस्ट मारूंगा। ये ले भाई, इतने शॉर्ट में तूने मेरा किल चोरी किया भाई। हम ज्यादा किल के अब कोशिश कर रहे थे, तू मेरे किल चोरी कर रहा है। 27 है, तीन रहते हैं, 27 + 3 = 30। वही अगर हमने 30 मैनेज कर लिया ना दोस्तों, तो मज़ा आ जाएगा। मैंने अपने सोलो वर्सेस स्क्वाड की करियर में मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है अभी तक 30 किल्स नहीं की, तो ये हमारा हाईएस्ट रिकॉर्ड हो जाएगा चैनल पे जितना मुझे याद है। तो चलो कोशिश करेंगे भाई, नया गोल रख दिया हमने दोस्तों, 30 किल्स करेंगे। हाँ पीछे आवाज़ सुना मैंने, क्या कर रहा है भाई, रिवाइव कर रहा है। छुट्टी कर चलो। ऑलराइट 28, दो बंदे ही सिर्फ रहते हैं, बाहर आवाजें मुझे आ गई है। डोड नदीम जिंदा है, पहले इसको मारेंगे। आ जाओ पहले बाहर जाते हैं। सफर यहाँ पे बंदा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे मेरे आंखों के सामने ऐसे शो हुआ कि बंदा है। सामने 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 देखा मैंने। एक तो तीन, वो तकरीबन 150 का डैमेज है बस, ये तो गया भाई। अब ये जब हील करेगा तब तक मैं पहुंच जाऊंगा। एंड इसको भी स्टाइल से मारते हैं, इसके सामने मैं ग्लू लगा लेता हूँ। ये गया एंड बूम, हेडशॉट डोड नदीम। चलो शुक्र है इसको, इस दफा तो हेड लगे ना, पिछली दफा लग ही नहीं रहा था। गाइस फाइनली मुझे लास्ट बंदा मिल गया, काफी ढूंढा मैंने, पता नहीं ये क्यों छुप रहा था। अब इसको जरा नखरे देख दिखा के मारेंगे। मेरे साथ ज्यादा लैंड माइन है, तो लैंड माइन से मारने की कोशिश करूंगा। एंड इसी के साथ हमारे 30 किल्स विद बुया हो सकते हैं अगर सक्सेसफुल हो गया तो। सबर 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 सबर, ये लो लैंड माइन, ग्लू वॉल लगा लिया, ग्लू वॉल दोबारा से लगा लूं। ऑलराइट मरो यार, छोड़ो यार, वेट नहीं करता, वन टाइम मारता हूँ। ये गया गाइस विद 30 किल्स, मेरा हाईएस्ट किल अभी तक इन सोलो वर्सेस स्क्वाड विद बुया, मजा आ गया यार। एंड बाय द वे गाइस, ये रिकॉर्डिंग तब की है जब बिल्कुल सीजन नया आया था, तो मेरा रैंक इसलिए प्लैटिनम 4 है। सही है ना दोस्तों, 11 लाइक्स विद 30 किल्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, राइट वाली वीडियो जरूर चेक करना। इसमें मैंने एक बहुत ही अमेजिंग चैलेंज किया था, एक्सट्रीम लेट लैंडिंग चैलेंज, काफी मजे की वीडियो बनी थी, तो वो जरूर चेक करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करके जाना। एंड विद दैट बीइंग सेड, अल्लाह हाफिज़।